आरक्षण समिति बाड़ेर, आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ अहो विस्मरणशीलता का आज अपन भाग दो करेंगे। इससे पूर्व अपन ने इसी पाठ का भाग एक स और विन्ना का प्रयोग करते हुए किया था। इसमें भी अंतरे में इस भाग दो में ज़्यादातर विन्ना का प्रयोग है और स का प्रयोग भी है। स और विन्ना का प्रयोग आपको पहले बता चुके हैं कि यह तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ होता है। इस पाठ में भरत और प्रसाद दो अच्छे मित्र हैं, उनके बीच में एक लघु वार्तालाप के माध्यम से स और विन्ना का प्रयोग दिया गया है, जिसका भाग दो अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भरत। मादृश एव सह, वह भी मेरे जैसा है। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि है जो प्रसाद कहता है कि अनिल बिना पाद रक्षा यानी बिना चप्पलों के ही इधर ही गया है, तब उसके संबंध में भरत कहता है कि मादृश एव सह, वह भी मेरे जैसा है। वह भी मेरे जैसा, भरत अनिल के बारे में कहता है कि वह भी मेरे जैसा है। फिर भरत अपनी बात बताते हुए कहता है कि अम्बाहा वस्तुनि आयने तु इत्युक्तवती, अर्थात वह भरत कहता है कि मेरी माँ ने मुझे वस्तु लाने के लिए कहा, मेरी वह मेरे जैसा ही है, मेरी माताजी ने मुझे वस्तु लाने के कहा, किंतु अहम स्यूतेन बिना आगतवान, परंतु मैं बिना पर्श के आ गया। वो कहता है मेरी माताजी ने मेरे को कुछ लाने को कहा था, परंतु मैं है वो मेरा पर्श जिसमें धन रखा जाता है अर्थात बटुआ, मैं वहीं भूल के आ गया या घर पे भूल के आ गया। तब प्रसाद कहता है धनेन बिना तू न आगतवान खलु, आप बिना धन के निश्चित नहीं आए। अपना हाथ है वो जेब में डालिए, और होता क्या है जब वह हाथ जेब में डालता है तो बटुआ पड़ा है अर्थात अपने पास में भी धन पड़ा है, शुद्ध पर्श पड़ा है, परंतु वह उसको पहचान नहीं पाता है। तो यहाँ देखिए स्यूतेन विना, स्यूतेन शब्द में तृतीय विभक्ति है विना के योग से, स्यूतेन विना, स्यूत के बिना अर्थात बिना बस्ते के हैं, तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर भरत कहता है धनम, तो वो कहता है बिना धन के तुम नहीं आए, निश्चित रूप से आपका धन होगा। तब वो धनम तिष्ठतु पश्यामि, ठहरो देखता हूँ, यानी वो हाथ जेब के लगाता है, कहता ठहरो देखता हूँ। फिर भरत आश्चर्य में पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास में है वो धन पड़ा है। वो कहता अहो धनेन विना न आगतवान, ये धनेन शब्द यहाँ दिख रहा है, इसको धनेन पढ़ना है, धनेन धन के बिना, के बिना धन के बिना न आगतवान, नहीं आया। अर्थात भरत कहता ठहरो देखता हूँ, फिर देखता है हाथ जेब के लगाता है, कहता अरे पैसे है मेरे पास में, धन पड़ा है। प्रसाद अहम सिद्धअस्मि चलतु, मैं सही हुआ ना, यानी प्रसाद कहता है कि मैंने कहा था तेरे पास में धन है और मैं सही हुआ, आपके पास में पैसे या धन पड़ा है। भरत कहता अरे युद्ध किन बिना ये आगच्छति किम, भरत प्रसाद है वो बिना कमीज पहने ही आ जाता है उसके पास, मेरे बातें करता है, बातें करते करते भरत कहता अरे युद्ध किन बिना ये आगच्छति किम, बिना कमीज के आ गए हो तुम, नंगे बदन आ गए हो, बिना कमीज के आ गए हो, युद्ध कम धर तू, कमीज तो पहनो। अरे बिना कमीज आ गए, कमीज पहनो। प्रसाद कहता अहम अपि वादर्श, प्रसाद कहता अरे भरत अभी तो तुम बूझ रहा था, लेकिन मैं भी अहम अपि, अहम धन अपि भवादर्श आप जैसा, अर्थात मैं भी आप जैसा ही हूँ। वयम सर्वे विस्मरणशीलता, हम सभी भुलकड़ है, यानी इस पाठ में एक भूल के माध्यम से बताया गया है वो विस्मरणशीलता यानी भुलकड़पन, भूलने की आदत को दर्शाते हुए स और विना का प्रयोग किया गया है।
हमको भी स और विना के प्रयोग के माध्यम से करना है, जैसे अहम अपि भवादृश आप जैसा विस्मरणशीलता यानी भूलकड़, ठीक है, ऐसा करना है। कठिन शब्द देखेंगे तो कठिन शब्दों में हम पाएंगे कि स्यूत, तेरा आ गया, सॉरी यहाँ तो थेला, थेला परसिया, थेला थेला। मादृश मेरे जैसा, तिष्ठतु ठहरो, अहम मैं, अस्मि हूँ, भवादृश आप जैसा, मादृश मेरे जैसा, भवादृश आप जैसा। तो ये हमारे कठिन शब्द थे। अभी आप देखेंगे कि इसमें अधोलिखित कोष्टक से आधारेण मनोज केन स कुत्र गच्छति, मनोज किसके साथ कहाँ जाता है, ऐसा आपको लिखना है। उदाहरण दिया है, दो शब्द दिए हैं, मित्रम मित्र ग्रहम, अर्थात मनोज मित्रम में तृतीय आ जाएगी सह के कारण, इसलिए मित्रेण सह, मनोज मित्रेण सह, मित्र ग्रहम शब्द बड़ा है सेम, ऐसा कैसा लिखना है, मित्र ग्रहम गच्छति जाता है, अर्थात मनोज मित्र के साथ मित्र के घर जाता है। ऐसी भगिनी मातुल ग्रहम, अग्रज आश्रम, कर्म कर क्षेत्रम, सेविका ग्राम, आचार्य वाचनालय, जननी विपरी, ऐसा आपको प्रयोग करना है। जैसे एक नंबर में और बता दूं कि मनोज भगिनी की तृतीय विभक्ति क्या बनेगी, भगिन्या, मनोज भगिन्या सह मातुल ग्रहम गच्छति, मनोज भगिनी शब्द में तृतीय आएगी क्योंकि सह लाना है, इसलिए भगिन्या सह मातुल ग्रहम गच्छति। ऐसे ही अग्रज आश्रम, कर्म कर क्षेत्रम, सेविका ग्राम, आचार्य वाचनालय, जननी विपणिम का आपको प्रयोग करना है। और भी किताब में देखेंगे आप, जो पाठ्य पुस्तक की किताब है पंचमी की, षष्ठ पाठ के पीछे के जो प्रश्न होते हैं वो भी करना है। और यह प्रश्न है जो भी दिया है, ये आपको गृह कार्य में करना है, गृह कार्य लगाकर उसमें करना है। जय हिंद, जय भारत।